तो दोस्तों, अगर आपके पास में आधार सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट है तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आधार सुपरवाइजर के लिए जो है वैकेंसीज निकली है, जिसमें कि अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको जो है 25,000 से 30,000 रुपया महीना इजिली आप जो है यहां से कमा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास में आधार सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट है तो कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रजिस्ट्रेशन का इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, और जिन लोगों के पास में आधार सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट नहीं है वो लोग जो है इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि आधार सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट आपको जो है कैसे मिलेगा इस पर भी मैंने अपने चैनल पर डिटेल में वीडियो बना के रखा है। तो वो वीडियो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो के एंड में लगा दूंगा, जिससे कि जो भी लोग ऐसे हैं जिनका कि आधार सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट नहीं है वो भी ऑनलाइन घर बैठे अपने आधार सुपरवाइजर के सर्टिफिकेट को बना पाएंगे। तो दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले आपको जो है अपने मोबाइल के या लैपटॉप के किसी भी एक ब्राउजर में इस वाली वेबसाइट को ओपन कर लेना है। इसका डायरेक्ट लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसे ही आप वहां पर क्लिक करोगे तो आप जो है इस वाले पोर्टल पर आ जाओगे। अभी दोस्तों, यहाँ पर आ जाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस पेज आपको दिखाई देगा, ठीक है ना, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। अभी यहाँ पर जैसे आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको जो है तीन ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। ये दो ऑप्शन जो है सीएससी के लिए है, और जो तीसरे वाला ऑप्शन जो है सीएससी वीएलई के लिए नहीं है। तो अगर आप जो है आधार सुपरवाइजर का काम करना चाहते हैं तो आपको जो है आधार सुपरवाइजर इस वाले ऑप्शन पे आपको नीचे की तरफ अप्लाई हेयर का बटन मिलेगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपके सामने टर्म एंड कंडीशन आ जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले बताया गया है सीएससी ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड इंडिया, ठीक है ना। यहां पर आपको जो है पोस्ट का नाम बताया गया है आधार सुपरवाइजर के लिए। एजुकेशन यहां पर अगर आप देखेंगे तो 12वीं प्लस यहां पर रखा गया है, और आपको जो है कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद यहां पर अदर इन टर्म कंडीशन में बताया गया है कि जो भी यहां पर एप्लीकेशन कर रहे हैं वो सीएससी वीएलई नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं तो आप जो है यहां से अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहां पर आपकी उम्र जो है 18 साल होनी चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए, अगर आप जो है आधार सुपरवाइजर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, टर्म को एग्री कर देना है, एक्सेप्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अभी आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा लॉगिन एज वीएलई। तो दोस्तों, ये स्कीम जो है वीएलई के लिए नहीं है, तो आप जो है लॉगिन एज वीएलई नहीं करेंगे। आपको यहाँ पर अपना एक ईमेल आईडी प्रोवाइड करना है, यहाँ पर आपको जो है अपना एक मोबाइल नंबर प्रोवाइड करना है, एंड सेंड ओटीपी वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेंड ओटीपी वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर प्रोवाइड किया है उस पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद आप जो है वेरीफाई ओटीपी वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस पेज आ जाएगा। जैसे कि देख रहे हैं, एक फॉर्म आपको दिखाई देगा जिसमें कि आपका जो मोबाइल नंबर है जो कि आपने प्रोवाइड किया था वो मोबाइल नंबर आपको यहां पर दिखाई देगा। ईमेल आईडी जो आपने डाला था वो ईमेल आईडी आपको यहां पर दिखाई देगा। अभी सेक्शन आता है यहां पर आपको पर्सनल डिटेल फिल करने का। तो यहां पर आपको जो है अपना फर्स्ट नेम फिल कर देना है, जो भी आपके आधार कार्ड में लिखा है उसके अकॉर्डिंग। यहां पर आपको जो अपना मिडिल नेम लिख देना है, ठीक है ना। यहां पर लास्ट नेम में आप जो अपना सरनेम फिलअप करेंगे। जेंडर आपको यहां पर सिलेक्शन कर लेना है, मेल फीमेल। डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है इस कैलेंडर के माध्यम से यहां पर सिलेक्ट करेंगे। मैरिटल स्टेटस आप जो है यहां पर सिलेक्ट करेंगे, सिंगल है मैरिड है। यहां पर आप जो है फादर या गार्डियन नेम लिखेंगे, मदर का नाम आप यहां पर लिखेंगे। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे, यहां पर आपको जो है करंट एड्रेस का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहां पर आप जो है अपना करंट एड्रेस फिल करेंगे, जिसमें आप हाउस, अपार्टमेंट, बिल्डिंग का नाम लिखेंगे, स्ट्रीट, सड़क, कॉलोनी का नाम लिखेंगे, एरिया का पोस्टल पिन कोड क्या है वो आप यहां पर एंटर करेंगे, पोस्ट ऑफिस आपका क्या है वो यहां पर आप सिलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे, स्टेट आप यहां पर एंटर करेंगे। आपका जो परमानेंट एड्रेस है, अगर मान लीजिए आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप यहां पर एज अ सेम वाले बटन पर टिक मार्क करेंगे, जिसमें कि आपका जो एड्रेस है ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। अगर आपका जो परमानेंट एड्रेस है डिफरेंट है करंट एड्रेस से, तो उस कंडीशन में आप यहां पर अपना परमानेंट एड्रेस फिल अप करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे की तरफ आ जाएंगे, यहां पर आपसे एजुकेशन की डिटेल मांगी जाएगी, जिसमें कि आपको बताना है यहां पर कम से कम आपको 12th पास होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पर आप जो है अपना एजुकेशन सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि आप 12th पास है तो आप यहां पर 12th को सेलेक्ट करेंगे। एजुकेशन आपने जो है कहां से किया था, 12th हायर सेकेंडरी क्लास, तो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो आप जो है अपने अकॉर्डिंग इसको यहां पर फिल अप कर देंगे। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा जाएगा रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस, जो काम आप यहां पर करना चाहते हैं उसका कोई आपको एक्सपीरियंस है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो आप नो करेंगे। अगर आप यस करते हैं तो उस कंडीशन में आपको बताना होगा कि आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है, कितने महीने का एक्सपीरियंस है, और किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में आपने जो है काम किया था। अगर आपने नहीं किया तो आप सिंपली इसको नो करेंगे। आपको जो है यहाँ पर फर्स्ट जॉब लोकेशन बताना होगा, अगर आप जो है इससे पहले कहीं पे जॉब करते थे तो वो लोकेशन आपको बताना होगा, कहाँ पर करते थे, किस स्टेट में करते थे, स्टेट आप सिलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट आप चयन करेंगे, ठीक है ना। अगर नहीं करते थे तो आप इसको एज इट इज छोड़ देंगे, ठीक है ना।
उसके बाद यहाँ पर सेकंड जॉब, थर्ड जॉब, आप ये फील करना चाहे तो कर सकते हैं अगर आपने किया हो तो, नहीं किया हो तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है UIDAI सर्टिफिकेट डिटेल की। तो जितने भी लोग यहाँ पर UIDAI सुपरवाइजर सर्टिफिकेट लेके रखे हैं उनको यहाँ पर अपना UIDAI सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट का जो नंबर है वो नंबर आपको इंटर कर देना है और यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट को अपलोड कर देना है। सर्टिफिकेट को अपलोड करने के लिए आपको सिंपली चूज फाइल वाले बटन पर क्लिक करना है। जहाँ कहीं भी आपने जो है सर्टिफिकेट की फाइल रखी है उसको आप सेलेक्ट करेंगे, ओपन वाले बटन पर क्लिक करेंगे, आपका सर्टिफिकेट अपलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एक CV अपलोड करना है, मतलब एक रिज्यूम बनाकर अपलोड करना है और रिज्यूम का फॉर्मेट जो है PDF फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है ना, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। उसको भी सेम एज इट इज़ आप यहाँ चूज फाइल वाले बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ कहीं भी आपने जो है अपना रिज्यूम बनाकर रखा है जिसमें कि आपका नाम, डिटेल वगैरह जो भी बेसिक डिटेल है वो आपकी होनी चाहिए, उसको आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। उस तो सारी इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बाद आपको जो है टर्म को एग्री करना है एंड रजिस्टर्ड वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है कम्प्लीटली हो जाता है, आपको यहाँ पर जो एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल जाता है। अब दोस्तों जैसे ही आप यहाँ से अप्लीकेशन कर देते हैं तो आपका रिज्यूमे जिस किसी भी कंपनी के पास में आपका जो है अप्लीकेशन जाएगा वो कंपनी खुद आपको कॉल करके मैसेज करके आपको बता देगी। और आपका अगर आधार सुपरवाइजर लिए यहां पर सिलेक्शन होता है तो फिर आपको जो है आधार सुपरवाइजर के लिए यहां पर बुलाया जाएगा। फिर यहां पर आगे की जो भी क्वारीज है वो कंपनी की तरफ से खुद कराई जाएगी, आपको क्या काम करना है, किस तरह से काम करना है, कितना पेमेंट आपको दिया जाएगा, वो सारी चीजें यहां पर आपको जो है कंपनी की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी। वैसे दोस्तों यहां पर आप जो है अगर अप्लाई करते हैं तो आपको जो है 20,000 से 25,000 रुपए महीना का आप जो है यहां पर इजीली कमा सकते हैं आधार सुपरवाइजर का काम करके। अब कौन सी फील्ड का काम आपको दिया जाएगा, किस फील्ड में आपको जो है काम के लिए रखा जाएगा, ये सारा डिसीजन जो है कंपनी खुद से है। तो यहां पर आप जो इस तरह से आधार सुपरवाइजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब आपका सिलेक्शन यहां पर हो जाएगा, आपको जो है अप्रूवल मिल जाएगा, तो फिर आप जो है आधार सुपरवाइजर का काम यहां पर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है आधार सुपरवाइजर की इस नई सर्विस के बारे में कंप्लीटली इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में किसी भी तरह का कोई सवाल है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।